हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है फारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना। सेल्सियस का सिंबल होता है सी और फारेनहाइट का सिंबल होता है एफ। अब इसको समझते हैं कैसे चेंज किया जाएगा। जैसे कि आपको जब बुखार होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर थर्मामीटर लगा के आपके अंदर का बुखार नाप, वो बताता है कि आपके अंदर इतना सेल्सियस बुखार है। अगर आप उस बुखार जितना सेल्सियस वो बताता है उसको आप फारेनहाइट में चेंज करना चाहते हैं तो कैसे चेंज कर सकते हैं, चलिए आज की इस वीडियो में इसी को समझते हैं। टेम्परेचर आपका 35 सेल्सियस है, अगर आप इसको फारेनहाइट में चेंज करना चाहते हैं तो कैसे चेंज करेंगे। इसको चेंज करने के लिए एक सूत्र होता है, एफ इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। अब इस सूत्र पे सी का मान रख दिया, आपको दिया क्या गया है 32 सेल्सियस, 35 सेल्सियस आपका दिया गया है, सी का मान दिया गया है 35 सेल्सियस। आप इसका जो मान इसी सी की जगह पे रख के आप इसका वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लीजिए, तो 9/5 इंटू 35 प्लस 32। अब यहाँ से कट जाएगा 32, 7 × 5 = 35, यानी कि 7 और 9 का गुणा कर लीजिए, एफ इक्वल टू 963 + 32। अब ये हो जाएगा 3 × 2 = 5 और 6 × 3 = 9, 95 फारेनहाइट। अगर आपको 35 डिग्री सेल्सियस बुखार है, अगर उसको आप फारेनहाइट में चेंज करेंगे 95 फारेनहाइट आएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस सूत्र का प्रूव भी कमेंट कर दीजिए, इस सूत्र का मैं प्रूफ भी करवा दूंगा। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे सेल्सियस को आप फारेनहाइट में चेंज कर दीजिए, अगर आपको फारेनहाइट में दिया गया है आपको सेल्सियस में चेंज करना है तो क्या करेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए आपको दिया गया है 61 फारेनहाइट, यानी कि एफ इक्वल टू 61 दिया गया है। अगर आप इसको चेंज करना है सेल्सियस में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी एक सूत्र होता है, सी का सिंबल होता है सेल्सियस, सी इक्वल टू 5/9 एफ माइनस 32 32। ओके दोस्तों, इसी के सूत्र पे आप रख सकते हैं, इसी में एफ का मान रख दीजिए, बस यहाँ पे एफ इक्वल टू दिया गया है 61, तो ये सी हो जाएगा 5/9, ये एफ का मान हो जाएगा 61 माइनस 32। अब इसको और सॉल्व करेंगे, 5/9 इंटू ये हो जाएगा 9 × 2 = 7 और ये 5 × 3 = 2 = 27। अब इसको और हल करेंगे तो 9 × 3 = 27, यानी 3 बढ़ जाएगा। अब इसका गुणा कर लेंगे, 5 × 15, यानी कि C = 15 सेल्सियस। ओके दोस्तों,